सो हे गाइस, मैं इमरान सर, स्वागत करता हूँ आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से ही है, चैप्टर 8 जो कि एनसीईआरटी में क्लास 12th का टर्म 2 में हमारा सिलेबस जो है सेकंड चैप्टर है, वहां पर इंटीग्रेशन जस्ट बाद है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफी अच्छे से क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पहले समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो मैंने अब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थोड़ा सा अपर लेवल पर है, इसलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं देन सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें यहाँ पे 2 से और 4 से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो हमारे पास बाउंड होगा, इनक्लोज होगा, उसी पार्ट का एरिया फाइंड करना है। इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस भी उसमें मतलब बोल सकते हैं इन्वॉल्व है, लाइन भी है वाई इक्वल टू एक्स, एंड द सर्कल मीन्स कर्व भी हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया सबसे मेजर जो काम है ना हमारे पास इसका ना ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बन जाएगा तो बहुत आसानी से हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, लिमिट कन्फर्म हो जाती है हमारे पास। सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है, सर्कल बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक चीज और देखते हैं, सर्कल की इक्वेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है क्लास 11th में, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर। ए स्क्वायर रेडियस होती है, आर भी रेडियस है। सो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आर इक्वल में आर स्क्वायर इक्वल में 32 आएगा, तो आर इक्वल में 4√2 आ जाएगा। रेडियस तो निकालना आती ना आराम से, यस सर नो, सर्कल की रेडियस क्या है 4√2। सो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ना 4√2 है, मतलब जो x यहाँ पर कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ ना, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, ये 4√2 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, रेडियस वाला पॉइंट भी क्लियर। आर स्क्वायर इक्वल में कितना है 32, स्क्वायर चेंज इनटू रूट, 32 का रूट कितना आएगा 4√2, ऐसे आया है। कभी कुछ स्टूडेंट का डाउट है तो वो भी हमने बता दिया। अब देखते हैं एक्स एक्सिस आ गया, कर्व आ गया, देन वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन है जिसका अगर मैं कर्व बनाने की अगर बात करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स है जहां पर दोनों चीजें सेम आएंगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से आएंगे इनके, 2 पे 2, 3 पे 3, कुछ इस तरीके से 4 पे 4 ऐसे आएंगे। ये मेरे पास ग्राफ बन गया किसका, लाइन का, चाहो तो इसे ना मतलब ये वाला ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो। कर लिया, एक्स एक्सिस कर्व और लाइन तीनों ने मिलकर जो पार्ट हमने इनक्लोज करा ये वाला पार्ट, इसका एरिया फाइंड करना है, यस और नो। बहुत अच्छे से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या आएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसके, सर्कल के और लाइन के। लाइन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू एक्स है, सर्कल क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है। अगर मैं x और y इक्वल है यहां पर पुट कर दूंगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल में 16, एक्स इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू भी 4 होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के इंटरसेक्टिंग अगर पॉइंट की बात करें तो 4-4 आ गए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। छोटे मोटे जो कैलकुलेशन वाले पार्ट थे वो तो हमने सॉल्व कर लिए, अब इसका एरिया फाइंड कैसे कर सकते, ये वाला पॉइंट तो इजी से बोल सकते, इससे रफ कर देते क्योंकि इसकी ना नीड भी नहीं है, क्योंकि हम मतलब स्पेस थोड़ा कम होगा तो जो मेन पॉइंट था हमें पता चल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4-4 आ गए। अब एरिया कैसे फाइंड करना, सबसे पहले देखेंगे मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, यहां पर क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस और नो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले तरीके से भी कर सकते हैं, वरना अपना जनरल तरीका जो 9th क्लास से पढ़ते वाले 1/2 बेस इनटू हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने किस पर, एक्स एक्सिस पर, पहला तरीका मिल गया। दूसरा, इसका हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से ही करेंगे, तो इसे हम लेबल कर देते हैं ओ ए बी सी, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है टोटल पूरे सर्कल का, पूरे रीजन का, ए वन प्लस ए टू। पहले ए वन का फाइंड करते हैं, ए वन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए वन इक्वल टू 1/2, बेस कितना है ओ बी, हाइट कितनी है ए बी, ओ बी ए बी 1/2, ये वाला पोर्शन भी 4 है क्योंकि कोऑर्डिनेट 4-4 है, एक्स एक्सिस भी 4 वाई एक्सिस भी 4, दोनों जगह वैल्यू सेम आई है, 4-4 जो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा यूनिट स्क्वायर, तो ए वन की यूनिट तो 8 आई। अगर आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले मेथड से करें तो उससे भी हो सकता है, बहुत अच्छे से उसके एरिया भी एक और तरीके से बता देते, फिर इरेज कर देंगे वो बात अलग है। कैसे फाइंड करते हैं, देखो लाइन के लिए एरिया फाइंड कर रहे हैं, लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला वैसे क्या होता है, एरिया वाई डी एक्स होता है, लिमिट क्या है हमारे पास 0 से 4, बी तक वैल्यू क्या ध्यान रखना, यहां से यहां तक की वैल्यू 4 है, यहां से यहां तक 4 है तो लिमिट 0 से 4 लेंगे, और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, लाइन के लिए वाई की वैल्यू एक्स है, सो एक्स डी एक्स 0 से 4 लिमिट लेंगे, और हमारे पास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यस और नो। अपर लिमिट कितनी है 4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 8,
और ये तो जीरो ही रहेगा। तो देखो इस वाले मेथड से भी एट आंसर आया, इस वाले मेथड से भी एट आंसर आया। किसी भी पोर्शन आप किसी भी वे से कर सकते हैं। एरिया हमारे पास पहले वाले पार्ट का ट्रायंगुलर वाले पार्ट ओ ए बी ओ, इसका हमारे पास ए वन का एरिया कितना आया, एट यूनिट स्क्वायर आया। तो ये मेथड लिखा रहने देते हैं, मेथड आपने दोनों नोट कर भी लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फाइंड करते ए टू मीन्स इस वाले पार्ट का एरिया जो क्या है ए बी सी ए। सो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वाई डी एक्स सेम वही पोर्शन रहेगा, लिमिट देखते हैं क्या रहेगी। यहां तक तो एरिया आ चुका है ना, फोर से फोर रूट टू तक, ध्यान रखना फोर से फोर रूट टू तक, फोर टू फोर रूट टू, फोर से फोर रूट टू तक एरिया चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिखते हैं फोर से फोर रूट टू तक। वाई की वैल्यू कहां से, कर्व से, कर्व क्या है सर्कल, सर्कल से वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर सेम ऐसे लिखा रहने देते हैं, 32 सेम, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का स्क्वायर चेंज इनटू रूट। सो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 32 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स सेम। अब रूट में ए स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ज्यादातर इस वाली एक्सरसाइज में, इस वाले बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में इसी फॉर्मूला का सबसे ज्यादा यूज होता है। सो एक्स अपॉन टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर यही है, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना आएगा, फोर रूट टू आएगा, 32 का स्क्वायर रूट हमने निकाल कर देख लिया था पहले ही। सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, अपर लिमिट कितनी है फोर रूट टू, लोअर लिमिट हमारे पास फोर, पुट करेंगे अगर मैं पहले फोर रख देता हूँ, फोर रूट टू अगर यहाँ पर रखेंगे सो कितना आएगा, फोर रूट टू अपॉन में टू, यहाँ पर रखेंगे फोर रूट टू का स्क्वायर 32 होगा, जीरो हो जाएगा, इस वाले पार्ट को लिखते ही नहीं है, ये वाला पार्ट हो गया जीरो। अब यहां पर रखते हैं फोर रूट टू, ये तो आया 16 साइन इनवर्स फोर रूट टू अपॉन में फोर रूट टू, ये वन आ जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब फोर रखते हैं, यहां पर फोर रखेंगे, फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू, यहां रूट में कितना आएगा, रखो फोर का स्क्वायर 16, 32 में 16 माइनस करेंगे 16 का रूट फोर आ गया, प्लस ये भी 16 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फोर अपॉन रूट टू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लिमिट वाला पोर्शन आप आराम से नोटबुक लेके मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ध्यान रखिएगा ये 16 सेम है, इससे ये कैंसिल, वन बचेगा, वन वैल्यू साइन 90 की होती है, जीरो जीरो की होती है ना, तो 90 को हम लिखते हैं पाई बाई टू, ठीक है, फोर टू एट 16 माइनस प्लस माइनस, इसको कट करेंगे वन अपॉन रूट टू, 45 की होती है, पाई बाई फोर लिखते हैं, छोटे मोटे चीजें कैंसिल हो जाएंगे आराम से, ये एट ये फोर, एट पाई माइनस का एट माइनस का फोर पाई, सो एट पाई तो फोर पाई माइनस करेंगे कितना आएगा, फोर पाई माइनस का एट। ए टू का एरिया भी आ चुका है, ए टू का भी आ गया और ए वन का भी आ गया, फाइनल करना क्या है हमें, ए इक्वल में ए वन प्लस ए टू, ए वन मेरे पास कितना आया था एट आया था, ए टू कितना आया फोर पाई माइनस एट आया, एट से एट कैंसिल, देन फोर पाई फाइनल आंसर एरिया है। सो ध्यान रखना यूनिट स्क्वायर लिखना नहीं भूलेंगे। होप सो देखो डिफरेंट टाइप का कितना अच्छा सा हमारे पास क्वेश्चन था, जो कि इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भी है, ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल सकते हैं। यहाँ लाइन की इक्वेशन चेंज कर देंगे, रेडियस चेंज हो सकती है, सर्कल वाला पोर्शन सेम ऐसे रहेगा, डिफरेंट हमारे पास इक्वेशन भी आ सकती है, एलिप्स की या फिर किसी भी बोल सकते हैं, पैराबोला या हाइपरबोला की। होप सो आज का क्वेश्चन, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी, बोर्ड के टर्म टू के एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, यूजफुल भी है। कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप।